नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 19,370.0325 करोड़ के विनियोग विधेयक को मंजूरी मिल गई। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे सदन के समक्ष रखा। राजद की ओर से समीर महासेठ ने 10 रुपए कटौती का प्रस्ताव रखा, जिसे वाद विवाद के बाद बहुमत के आधार पर खारिज करते हुए विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही द्वितीय अनुपूरक में नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हुई, जबकि 50 अन्य विभागों के बजट प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में स्वीकृति दे दी गई। सदन में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि पटना की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय, स्नानागार, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। कुछ जगह ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना भी प्रस्तावित की गई है। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर आदि जिलों में रिवर फ्रंट परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत 5 साल में 1,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य की 50-50% भागीदारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए इस धनराशि की जरूरत है। उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग का 2,379 करोड़ 48,09,000 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। विभाग से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर के स्टेशनों और डिपो के लिए भूमि अधिग्रहण करने को 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि 96 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन स्वीकृत किए गए हैं, बाकी निकायों में यह प्रक्रिया में है। 106 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइटें लगनी है, जबकि 83 में लगाई जा चुकी है। अब तक 38 बस स्टैंड की स्वीकृत योजनाओं में से 28 बस स्टैंड बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दरभंगा शहर के 9 और मुजफ्फरपुर के 3 तालाबों की उराही की जाएगी। सभी शहरी निकायों में रेहरी फेरी वालों के लिए वेडिंग जोन बनाए जाएंगे। अब तक 13 नगर निकायों से प्राप्त 56 वेडिंग जोन प्रस्तावों में से 24 को मंजूरी दी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 31.2% की तुलना में बिहार में शहरीकरण महज 11.3% है। सरकार ने नए निकायों के गठन और उत्क्रमण की मंजूरी दे दी है। निकायों की संख्या 142 से बढ़कर अब 258 हो जाएगी। शहरी आबादी भी 1,13,00,000 से बढ़कर 1.59 करोड़ हो जाएगी, जबकि राज्य में शहरीकरण का आंकड़ा भी अब बढ़कर 15.28% हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पटना को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 22 स्थानों पर नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि पुराने पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। खबर यह भी है कि नाला निर्माण, सीवरेज व अन्य सैनिटेशन योजना के लिए 135 करोड़ के अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव है। बताते चले कि AIMIM पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार की मंशा टैक्स बढ़ाने की है, इसी कारण कृषि बहुल क्षेत्रों को भी शहरी निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।